तो हाँ जी, आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, केक हमारा जो तैयार हो गया। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से। तो हाँ जी, अब हम केक को निकाल लेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से ये देखें, वीडियो को आपने शेयर करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस रेसिपी को घर में बनाएं और बच्चों को बना के दें, मेहमान वगैरह आए तो आप उनके लिए भी ये रेसिपी तैयार करें। तो माशाल्लाह से खाने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और इस केक की रेसिपी को तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, ये आप लोगों के लिए। तो हाँ जी, चॉकलेट केक तैयार करने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 3 अंडे जो थे हमने तोड़ लिए, साथ हम चीनी ऐड कर देंगे 1 कप। साथ हम ऑयल ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से अब हम बीट कर लेंगे इन्हें। तो हाँ जी, 1 कप जो हमने मैदा लिया है, ठीक है, इसे हमने छानना है। साथ हमने लिया है 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर, इसे हम ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ साथ हम इसे छानते जाएंगे। साथ हम 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, अच्छे तरीके से साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम छानते जाएंगे। ठीक है, तो हाँ जी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं, आपने घुमाना है इसे। एक ही तरफ को आपने घुमाते जाना है। तो हाँ जी, साथ हम चॉकलेट फ्लेवर जो है वो ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो हाँ जी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसे। तो हाँ जी, पतीला जो हमारा गर्म हो चुका है, हम ऐड करते हैं, पतीले के अंदर रखते हैं और इसे तैयार करते हैं केक को। हम इसे रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से 20 से 25 मिनट के बाद। ठीक है, नीचे से आग हमने बिल्कुल ज़ीरो रखी है। ठीक है, तो हाँ जी, चॉकलेट सिरप तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 चम्मच भर के चीनी के। ठीक है, आधा चम्मच और ऐड कर दूंगी मैं। साथ हमें चाहिए कुछ ये कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 1 चम्मच ये हम ऐड कर देंगे। कोको पाउडर, दो चम्मच हमने ऐड कर दिया। अब हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे।
ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर हम पकाएंगे इसे तो इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बन सकती हैं, ठीक है। पहले से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाहिए दूध, ठीक है। अच्छे तरीके से दूध के अंदर इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। ये हमने आधा ग्लास दूध लिया, ठीक है। चॉकलेट सिरप की आप रेसिपी देखना चाहते तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, रूबी HD यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। तो हाँ जी, अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। तो हाँ जी, साथ साथ हमने इसे हिलाते जाना है, ठीक है। एक मिनट भी हमने इसे नहीं छोड़ना। तो हाँ जी, माशाल्लाह से देखिए हमारा चॉकलेट सिरप जो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो मक्खन है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास घर का मक्खन है, ठीक है। तो आप बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ऑयल वगैरह नहीं करना। इसके साथ खुशबू अच्छी आएगी। तो माशाल्लाह से ये देखें, तो हाँ जी ये तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह से, अब हम चूल्हे को ऑफ करते हैं नीचे से। तो हाँ जी, हमने क्रीम दी है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसे बीट कर लेंगे। तो हमने इसे ठंडा कर लिया था, ठीक है। अब हमने ये सारी जो ऐड कर देनी है। तो हाँ जी, आप इस क्रीम को मैंगो आइसक्रीम में भी ऐड कर लें, ठीक है। केक के ऊपर भी आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, ये देखें इतनी हो चुकी है, ठीक है। थोड़ी देर और करेंगे इसे, 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। तो साइडों से इसे उतार लेंगे। दोबारा से फिर करेंगे। तो हाँ जी, क्रीम हमारी अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हाँ जी, हम केक चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, अभी हम इसे चेक करेंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल साफ़ है ये केक, तैयार हो चुका है। तो हाँ जी, केक हमारा जो तैयार हो चुका है, ठीक है, और हल्का हल्का ठंडा भी हो चुका है। तो इसे हम साइड पे करते हैं। अब हमने जो चॉकलेट है उसे हमने मेल्ट करना है, ठीक है। ओवन में भी कर सकते हैं और पानी में भी ये भोर रख के इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ चॉकलेट, तो हाँ जी चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। तो हाँ जी, केक को तैयार करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया केक को, और ऊपर से मैंने सारा दूध लगा दिया, ठीक है। नीम गर्म मैंने दूध लिया था, वो सारा मैंने ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाँ जी, सबसे पहले जो हमने क्रीम तैयार की थी उसे हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस तरह लगा लें जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हाँ जी, जो हमारे पास जो चॉकलेट सिरप था जो हमने तैयार किया था, हम उसे ऐड कर देंगे। उसकी हमने तह लगा देनी अच्छे तरीके से। तो हाँ जी, चॉकलेट सिरप सारा मैंने लगा दिया था, ठीक है। ये जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी यह भी हम ऊपर लगा देंगे। इसकी हमने पतली सी लेयर रखनी है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह हम ऊपर कर देंगे सारी। थोड़े से इसके अंदर जो बादाम है, ठीक है, तो हाँ जी, अब हम इसके ऊपर जो कोको पाउडर है वो अच्छे तरीके से लगा देंगे। चॉकलेट लगाने के बाद जी, कोको पाउडर जो था मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से
ऊपर मैंने छान के ऐड कर दिया, ठीक है। तो आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी इस केक को फ्रिज में, उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ जी, आधा घंटा हो चुका है, ठीक है, केक हमारा जो तैयार हो गया, ठीक है। देखें माशाल्लाह से, तो हाँ जी अब हम केक को निकाल लेंगे, ठीक है, माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सा टेस्टी सा हमारा जो केक है तैयार हो गया। तो हम चेक करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।